नमस्कार कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बहुत सी स्टाइल की रेसिपीज डाली हैं, आप सबने बेहद पसंद करी हैं, फिर लेकर आई हूँ बिल्कुल नए तरीके से यूनिक स्टाइल का आंवला और हरी मिर्ची का अचार। आंवला आजकल बहुत बाजार में आया हुआ है और गुणों का जो है ये भंडार है। इसमें आंवला हमारे स्किन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे डायबिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसे हमें किसी न किसी फॉर्म में जरूर लेना चाहिए। रोज के रोज कम से कम हमें एक आंवला तो जरूर खाना चाहिए, और अगर आप अचार खाओगे वो भी इस तरह से मसाले में लिपटा हुआ तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये कुछ हमने आंवले लिए, आधा किलो आंवले, और इस तरह से हमने जो है मोटे मोटे जो है हमने आंवले ले लेने, और बिल्कुल दागी ना हो, कोशिश करें कि आंवले जो है बढ़िया आपको मिल जाए। ये आंवलों का सीजन है, बहुत आंवले आए हुए हैं बाजार में, तो ये मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मैंने जो है ये आंवले ले लिए, और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैंने ले लिया अपना एक स्टीमर, और इस तरह से मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। तो आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया, इसके अंदर मैं डाल दूंगी अपने आंवले। आपके पास स्टीमर ना हो तो आप प्रेशर कुकर में भी जो है इसको कर सकते हो, या फिर आप प्रेशर कुकर में या किसी भी आप कोई भी कढ़ाई ले लीजिए या कोई भी पैन ले सकते हो बड़े साइज का, और उसमें जो है छन्नी डालकर, नीचे पानी डालकर ऊपर छन्नी रखी, छन्नी के ऊपर जो है आप आंवले डाल सकते हो, और इस तरह से उसको जो है आप स्टीम कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से जो है इसको स्टीम कर लेने, टाइमर लगा दिया मैंने इसका, और इसको मैं स्टीम कर लूंगी जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। हमें स्टीम करके बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी में बॉईल करते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स इसके निकल जाते हैं, और अगर हम स्टीम करते हैं तो इसके न्यूट्रिएंट्स जो है रिटेन रहते हैं, और आंवले का अचार भी ना बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। इसी अगर स्टीम करके बनाइए तो आपको भी बहुत बढ़िया बनेगा। तो इसको इस तरह से रख देते हैं और स्टीम होने देते हैं। अब मैं इसके साथ ले लूंगी थोड़ी सी हरी मिर्ची, मैंने ले ली है देखिए इस तरह से, और हरी मिर्चों की डंडियों को जो है हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। हरी मिर्ची मैंने तकरीबन 200 ग्राम के करीब लिए। हरी मिर्चों की डंडियां इस तरह से निकालनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरी मिर्चों की डंडियां जरूर निकालिएगा, नहीं तो हमारा अचार जो है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि फंगस जो है वो यहीं से लगती है ये डंडियों से। डंडियों को जब भी अचार बनाए तो कोशिश करें कि डंडियों को ना रिमूव कर दें, सारी डंडियां इस तरह से हमने हटा लेनी है। तो हरी मिर्चों की, सारी हरी मिर्चों की डंडियां जो है हमने इस तरह से रिमूव कर दी है। अब आप चाहें तो इसको बीच में से इस तरह से कट कर सकते हो, इस तरह से बीच में से चीरा लगा सकते हो, या फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो है जैसे करना चाहते हो कट इसको कर सकते हो। बीच में से हम इस तरह से कट कर देंगे। आंवला जो है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, इसके बहुत ही क्वालिटीज हैं, मतलब उसके इतने बेनिफिट्स हैं कि वो गिने नहीं जा सकते। खजाना है खजाना, रिच इन मैग्नीशियम है, मिनरल्स है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, जिनको डायबिटीज होती है उनको ये जरूर लेना चाहिए, हार्ट प्रॉब्लम जिनको है उसको ठीक करता है, स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है, हमारे बालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया होता है, बाल इससे जो है काफी हमारे स्ट्रांग रहते हैं, जिनको बाल जिनके बाल झड़ते हैं या कि स्किन की प्रॉब्लम है उनको जो है आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। तो एक आंवला तो दिन में हर किसी को जो है खाना ही चाहिए, बहुत ही ज्यादा गुणकारी है। तो ये इस तरह से हमने सारे मिर्चों को कट कर लिया। मिर्चों का कॉम्बिनेशन आंवले के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। सारी मिर्चें कहीं कट, अब आंवले को भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, आंवले को चेक कर लेते हैं। अभी आंवले जो है हमारे हुए नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा ना स्पून की हेल्प से इसको उलट पलट कर देते हैं, ताकि बराबर के ना ये सब जगह से इस तरह से स्टीम हो जाए, इस तरह से दोबारा से इसको बंद कर देते हैं। तो चलिए हम अचार का मसाला बना लेते हैं। तो पैन मैंने रख दिया, गैस को मैंने अभी ऑन नहीं किया, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूंगी राई। तो राई हम इसमें डालेंगे वही राई जो ढोकले के लिए यूज होती है, तो ये राई जो है मैंने इसमें 2 चम्मच बड़े वाले डाल दिया। इसके साथ ही इसमें जाएगा हमारा सूखा साबुत धनिया 2 चम्मच, इसके साथ में डाल दूंगी इसमें मेथी दाना 1 चम्मच, छोटा वाला चम्मच हमने डाला है, ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो हमारा अचार कड़वा हो जाएगा। सौंफ डालेंगे, बहुत बढ़िया लगती है इसके अंदर, तो 3 चम्मच में, 3 से 4 चम्मच में इसमें सौंफ के डाल दिया, 2 चम्मच जीरा, पीली वाली राई, पीली सरसों जिसको कहा जाता है, बहुत बढ़िया लगती है इस अचार में, तो जाएंगे इसके अंदर ये 3 चम्मच। इसके साथ ही जाएगी इसके अंदर 1/2 चम्मच के करीब अजवाइन, अजवाइन इस अचार में बहुत बढ़िया लगती है। तो ये सारी चीजें तो हमने इसमें ऐड कर दी, गैस को मैं नीचे से कर देती हूँ ऑन, और इसको जो है हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो लगातार इसको मिलाते हुए हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, मतलब कि ज्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं करना है, हमने सिर्फ इसको जो है हल्का हल्का जो है गर्म करना है, इसको हिलाएंगे, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट जो है बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो हल्का हल्का हमने इस तरह से इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप इस तरह से छूओगे हाथ से, जब आपको लगे कि गर्म हो गया तो मतलब कि ड्राई रोस्ट ये हो चुका है, इसको हम जो है निकाल लेंगे। तो लीजिए 1 मिनट हो गया और ये ड्राई रोस्ट हो चुका है, इस तरह से हाथ लगाएंगे तो हमें काफी गर्म लग रहा है ये, बस इससे ज्यादा हमने इसको नहीं ड्राई रोस्ट करना है, सिर्फ हमने जो है इसकी नमी को दूर करना था, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज होगी, तो हमारे अचार की भी शेल्फ लाइफ जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, इससे जो है जल्दी अचार हमारा खराब नहीं होता है। गैस को बंद कर देते हैं और इसको जो है हम इस तरह से निकाल देते हैं, और इसको हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे अच्छे से जो है, इसको हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, ये अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। अब हमने उसी पैन को दोबारा से गैस पे रख दिया और गैस को ऑन कर दिया, इसको पोंछ लेंगे टिश्यू पेपर के साथ, देखिए इसको क्लीन करके हम इसमें डालेंगे अपना सरसों का तेल। तो 1 कप के करीब हमने इसमें सरसों का तेल डाल लेना,
और इसको जो है हम थोड़ा सा जला लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें इसको जलाना है, बस हल्का सा गर्म करना है। हम ले लेंगे मिक्सी का छोटा वाला जार जिसमें मसाले ग्राइंड किए जाते हैं और इसके अंदर डाल देंगे हम सबसे पहले हींग। तो एक चम्मच भर का जो है मैंने इसमें हींग कर ले लेना, ये देखिए बाजार वाली हींग है, कैच की हींग यूज करती हूँ मैं, और अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी हींग यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपकी हींग जो है, ये जो बाजार की हींग होती है ना, इसमें चावल मिक्स रहते हैं तो ये हींग बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसलिए मैंने एक चम्मच डाल दिया। अगर आपके पास प्योर हींग है तो आप उस हींग की मात्रा को थोड़ा सा कम कर लें। इसके साथ ही इसमें जाएगा हमारा नमक, तो 3 चम्मच में इसमें नमक के डाल दूंगी, नॉर्मल नमक के, और आधा चम्मच में इसमें डालूंगी काला नमक। काला नमक इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। इसके साथ ही जाएगा इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसके साथ ही जाएगी इसमें लाल देगी मिर्च, तो 2 बड़े चम्मच मैंने लाल देगी मिर्च के डाल देने इसमें, और ये जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था वो सारा मसाला भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और इसको जो है हमने ग्राइंड कर लेना। खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, तो चेक कर लेते हैं। और लीजिए मसाला हमारा बढ़िया से पीस के तैयार हो चुका है। हमने बहुत ज्यादा भी इसको नहीं पीसा है और बहुत जो है मोटा भी नहीं रखा है, मतलब कि बीच का जो है इसको रखेंगे इस तरह से। लीजिए मसाला हो गया हमारा तैयार, और लीजिए तेल ने भी धुआं छोड़ना शुरू कर दिया है, गैस को बंद कर देते हैं और तेल को हल्का ठंडा होने देते हैं। अच्छा, इस स्टेज में ना हम इसमें भी डाल देंगे बस 1/3 स्पून के करीब हींग, गैस को कर देंगे बंद। हींग में फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आएगा, तो हम ओवन को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो कि आंवला हमारा इस तरह से ऊपर से ना ये टूटने लग रहा है, यानी कि अलग अलग सा होने लगा। ये देखिए, इस स्टेज पे हमने जो है इसको निकाल लेना है। आंवले हमारे स्टीम हो चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं और अच्छे से ये अलग भी होने लगे। तो लीजिए आंवलों को हमने निकाल दिया और आंवले हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से नाइफ भी आप प्रिक करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम आंवले जो है हमारे हो चुके हैं। और ये देखिए किस तरह से ये निकल रहे हैं, बस ये सारे जो हमने इस तरह से खोल देने, इस तरह से निकाल लेने, और इसकी जो सीड है उसको हमने अलग कर लेना है इस तरह से। तो सारे आंवलों को हम इस तरह से खोल लेंगे और बीज को हमने सीड को अलग कर लेना है। आंवले जब हमारे हल्के ठंडे हो जाए तब हम इसको निकालना शुरू करेंगे ना, तो ये इजीली निकल जाएंगे। ये देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है। हमने कभी भी आंवलों को ना ओवर कुक नहीं करना है, अगर हम ओवर कुक करेंगे तो हमारा अचार जो है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। ये देखिए आसानी से ये अलग हो रहे हैं। अब मैंने गैस नीचे से खोल लिया और तेल जो है इसमें हमने रख लिया हुआ है, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी अपने आंवले। तो आप देख सकते हो इसमें बबल्स आ रहे हैं, तेल हमारा गर्म है, और इतने में ही हमने सारे आंवलों को इसके अंदर डाल देना। ये प्रोसेस करने से आपका अचार जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, कोई इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा और लंबे समय तक अचार चलेगा। इसके साथ साथ टेस्टी भी बहुत लगेगा आपको, कसैलापन जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। गैस का फ्लेम मैंने फुल रखा हुआ है, हमने इस तरह से लगातार हिलाते हुए इसको जो है थोड़ी देर के लिए इस तरह से पका लेना है। तो एक दो बार इसको इस तरह से हिलाना है, ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि सब जगह से बराबर का जो है ये इस तरह से सेमी फ्राई हो जाए। तो जब आपको लगे कि हल्के हल्के ये फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर चेंज हो रहा है और जो आंवले का टेक्सचर भी जो है थोड़ा सा चेंज होने लगा है, बस बिल्कुल उसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे अपनी हरी मिर्च। इसको भी हिला देते हैं, बस आधे मिनट के बाद इसको एक बार दोबारा इस तरह से हिलाएंगे। बस हमने इसको मिर्च डालने के बाद 1-1.5 मिनट के लिए हमने इसको गैस पे इस तरह से फुल फ्लेम में रखना है। और लीजिए 1-1.5 मिनट अब हो चुका है, अब जाएगा इसके अंदर हमारा जो हमने मसाला पीसा था ना, वो सारा का सारा मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा मसाला मैंने छोड़ लिया, गैस को बंद कर देते हैं, मसाले को मिक्स कर देंगे। मसाला हल्का सा ना क्या होगा इसके अंदर भून जाएगा और अचार हमारा जल्दी से बन जाएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है ये अचार, इसको बनाकर रख सकते हो लंबे समय तक, आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसके साथ साथ वैसे तो आंवला काफी देर तक रहते हैं, तो आप जो है थोड़ा सा डालें खा लें, फिर फ्रेश भी डाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लंबे समय तक जो है अचार को बनाकर रखना है तो वैसे वो भी आप बनाकर रख सकते हो। तो अच्छे से ये मिक्स हो गया, बाकी का मसाला भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जितना हमने मसाला पीसा था सारा का सारा मसाला जो है हमने इसमें डाल दिया, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से ताकि सारा जो है आंवलों के ऊपर अच्छे से मसाला लिपट जाए। हरी मिर्च और आंवले के ऊपर अच्छे से हमारा मसाला लिपट चुका है। ये देखिए रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, खूब शेयर करें ताकि और लोग भी देखें। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप भी इस तरह से अपना आंवले का अचार बनाते हैं और कहां कहां से देख रहे हैं, वो भी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये देखिए तो लीजिए बहुत ही बढ़िया चावल बन चुका है। रेसिपी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।